चलिए अब रुक करते हैं विस्तृत खबरों की ओर। सोमवार को लोकसभा से ओबीसी संशोधन बिल पास हो गया है। इस बिल के तहत राज्यों को भी ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार मिलेगा, लेकिन इस बिल को राजनीति के चश्मे से देखा जाए तो बेहद अहम है। ये रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा दांव, ओबीसी समुदाय को लुभाने की कोशिश। लोकसभा से पास हुआ ओबीसी संशोधन बिल, ओबीसी आरक्षण पर राज्यों को मिलेगा बड़ा अधिकार। लोकसभा से ओबीसी संशोधन बिल पास हो गया है। इस बिल के तहत राज्यों को भी ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार मिलेगा। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इस पर मोहर लगाई थी। ये 127वां संविधान संशोधन बिल है। इससे राज्य सरकारों को ये अधिकार होगा कि वो अपने हिसाब से ओबीसी समुदाय की लिस्ट तैयार कर सकें। संशोधित बिल के पारित होने के बाद राज्यों को इसके लिए केंद्र पर निर्भर नहीं रहना होगा। सरकार क्यों ला रही ऐसा बिल? दरअसल 5 मई को मराठा आरक्षण के मामले में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ओबीसी की लिस्ट तैयार करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास ही है। आरक्षण जैसे संवेदनशील मामले में केंद्र सरकार किसी तरह का कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, इसलिए उसी वक्त केंद्र सरकार ने इस पर आपत्ति जताई थी। और अब संविधान संशोधन लाकर केंद्र सरकार राज्य सरकारों को भी ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार दे रही है। इस बिल का क्या होगा असर? इस बिल के कानून बनते ही राज्य सरकारों को ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार मिल जाएगा। इस बिल के कानून बनने का फायदा उन राज्यों में उन प्रभावशाली जातियों को होगा जो ओबीसी आरक्षण में शामिल होने की मांग कर रही हैं, जैसे महाराष्ट्र में मराठा समुदाय और हरियाणा में जाट समुदाय, गुजरात में पटेल समुदाय और कर्नाटक में लिंगायत समुदाय। इन सभी को ओबीसी में शामिल होने का मौका मिल सकता है। ये बिल जो है इसको मान्यता मिले, और मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो अभी एक लॉगजैम तैयार करके बैठी हुई है, उन्होंने कम से कम ओबीसी के हितों के लिए और बैकवर्ड क्लासेस के हितों के लिए इसको समर्थन देना चाहिए और इसको एक मत से पारित करना चाहिए। इस बिल को राजनीति के चश्मे से भी देखा जा रहा है, क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जहां पर ओबीसी समुदाय का चुनावी गणित पर बड़ा असर है। ऐसे में केंद्र के इस फैसले को ओबीसी समुदाय को लुभाने के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया।